Morning students, today we will start types of account. First point is personal account, another is impersonal account. We know that there are two types of accounts, personal account and impersonal account. Under personal account there are further three types. First is personal account. These are the account of persons with whom the transactions are entered for credit sale, क्रेडिट परचेज सेल रिटर्न परचेज रिटर्न इट एक्सट्राज परसनल अकाउंट मीनस की है भी वो सारिया ट्रांजैक्शन जो आप एक परसनल नेचर के करते हैं. फर्स्ट पॉइंट इज नैचुरल परसनल अकाउंट. दीज आर द अकाउंट्स ऑफ परसनस हैविंग ह्यूमन बॉडी लाइक राम श्याम मोहन सोहन इट एक्सट्रा मीनस ह्यूमन बॉडी नेचर आप कह सकते हैं परसनल अकाउंट कह सकते. आप कहें ना वी सोल्ड गुड्स टू राम तो आप एंट्री की करा राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. हूँ राम अकाउंट की एक परसनल अकाउंट है. जो आप प्रैक्टिकली करा जर्नल करा लैजर करा तो यह सारिया जकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज ने उदो समझ आएंगे तू. Then next point is artificial accounts. Artificial which do not have the human body. Means कि ने intangible ने. हूँ intangible कि भी जिन्हें भी कोई human body नहीं हैगी human existence नहीं हैगी but वो है ने. Like कोई banking company होगी कोई insurance companies कोई human body तो नहीं हैगी but कि ने इन्हों accounts open होंगे ने तो एक की है किस टाइप की यह अकाउंट की टाइप है आर्टिफिशियल अकाउंट लाइक पी एन बी एच डी एफ सी एस बी आई सी एल आई सी जी आई सी इट एक्सट्रा तो यह कि ने एक आर्टिफिशियल अकाउंट्स ने. आर्टिफिशियल की आप अकाउंट का मैनशन करते हैं बट कोई की है ह्यूमन बॉडी नहीं हैगी. नैक्सट पॉइंट इज रीप्रजेंटेटिव. रीप्रजेंटेटिव परसन और ग्रुप ऑफ परसन फॉर एग्जाम्पल सैलरी ड्यू रेंट आउटस्टैंडिंग एंड द अकाउंट्स रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन ये सारे ने आप कह सकते हैं रीप्रजेंटेटिव की ने. ना तो देखो कोई परसनल मैटर चल रहा इतने ना ही कोई आप कह सकते भी कोई होर ट्रांजैक्शन है तो सिर्फ की है एक अपन पता भी एक एंट्री है. जिमें देखो आप रेंट नहीं पे किया तो वह की है आउटस्टैंडिंग रेंट है. अपने पहला पे कर दिता एडवांस के पे कर दिता अपन की कह सकते हैं प्रीपेड रेंट तो इन्हें अकाउंट्स बनने नहीं जिमें हम आउटस्टैंडिंग रेंट वो एक अकाउंट बनता है अलग तो एक की है रीप्रजेंटेटिव अकाउंट है. नैक्सट पॉइंट इज इमपरसनल. इमपरसनल की ने अपने को रीयल अकाउंट्स टेंजिबल तो इनटेंजिबल. टेंजिबल कि चीज़ होंगी है विच कैन बी सीन और टच लाइक लैंड बिल्डिंग प्लांट मशीनरी फर्नीचर अपन भी कैसे टच कर सकते हैं बट इनटेंजिबल की जिन्होंने आप टच नहीं कर सकते लाइक पेटेंट्स कॉपीराइट गुडविल एट एक्सट्राज ऑल दीज आर इनटेंजिबल एसेट्स. नैक्सट पॉइंट इज नॉमिनल अकाउंट. दीज आर द अकाउंट्स ऑफ ऑल एक्सपेंसिज लॉसिज इनकम एंड गेन्स लाइक रेंट अकाउंट सैलरी अकाउंट एक ही ने एक नॉमिनल अकाउंट ने. रेंट अकाउंट हो गया डिस्काउंट रिसीव कमीशन रिसीव कुछ भी अपने किसी को पे कर रहे हैं कोई रिसीव कर रहे हो कि नॉमिनल अकाउंट है. जे अपना कुछ आउटस्टैंडिंग है जडवास पेड़ वो किसी अपना रीप्रजेंटेटिव अकाउंट इन कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए थोड़ा भी रीप्रजेंटेटिव की है तो नॉमिनल. नैक्सट अपने को गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग जिन्हों के बेस से अपने की करनी है अगे अकाउंटिंग करनी है. गोल्डन रूल की है तीन अकाउंट्स ने मेनली तो परसनल रीयल तो नॉमिनल. परसनल अपने की क्या परसन होएगा कोई जिंद की है एग्जिस्टेंस है ह्यूमन बॉडी तो की होएगा रिसीवर तो गिवर डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर ये रूल तो की है. हूँ जे अपने अकाउंटिंग समझनी है तो सब तो पहला ये तीन गोल्डन रूल ने जिड़े वेरी फस्ट अपने की कहती अंडरसटैंडिंग करनी है. तो फस्ट की है परसनल. परसनल परसनल रिलेटड हो गया तो डेबिट तो क्रेडिट का रूल है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर. रीयल अकाउंट वट कम्स इन वट गोज आउट होगी एक अपना रीयल अकाउंट भी की आ रहे हैं तो की जा रहे लाइक बाइंग एंड सैलिंग हो गया. दैन नॉमिनल ऑल एक्सपेंसिज एंड लॉसिज आर डेबिटड ऑल इनकम्स एंड गेन्स आर क्रेडिटेड. अपने न्यूमेरिकल क्वेश्चन करा टर्म्स उदो थानू क्लीयर हो जाएंगे. नैक्सट इज अपने हूँ क्लासीफाई करना है कि इन्हों के परसनल है किड़ा रीयल है किड़ा नॉमिनल अकाउंट है. तो अपने को है फर्स्ट पॉइंट इज कैपीटल. कैपीटल के अकाउंट कर सकते हैं अपना इनू परसनल अकाउंट के कर सकते हैं. दैन ड्रॉइंग्स ड्रॉइंग्स अकाउंट कर सकते हैं परसनल अकाउंट के कर सकते हैं. तो यह अलग अलग टर्मोलॉजीज ने जो आप पिछले एग्जाम्पल्स कर चुके हैं वही चीज़ है बस अपने क्लासीफाई करनी. जो अपन ये चंगी तरह समझ आए तो अपने अगर क्लासीफाई कर सकते हैं. Then next is cost or cost of goods sold, COGS. It refers to carrying value of goods and sold during a particular period. तो COGS नू कैलकुलेट करन दा फॉर्मूला ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक. जो कोई डायरैक्ट एक्सपेंस तो अपन की कर देंगे ऐड कर देंगे. हूँ देखो अपने कुछ नहीं करना अपने सिर्फ यही फॉर्मूला पुट करके फस्ट सम कैलकुलेट करना. ये अपना की है
इंट्रोडक्शन लैवल ही चल रहा जी अपना अकाउंटिंग न्यूमेरिकल क्वेश्चन का। तो फस्ट की ओपनिंग स्टॉक है, परचेज है, क्लोजिंग स्टॉक है। मैं फॉर्मूला की क्या, COGS इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक के आप करा 30,000 2,75,000 ऐड कर देंगे, माइनस की कर देंगे 65,000 का क्लोजिंग स्टॉक, तक ये निकले होगी COGS। ये तो अपना किसी विदाउट डायरैक्ट एक्सपेंसिज, जे डायरैक्ट एक्सपेंसिज भी ने कोई तो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरैक्ट एक्सपेंसिज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो ही बिल्कुल सिंपल सी COGS का, सिर्फ की करना फॉर्मूला याद करना, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरैक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। हुण सैवंथ इलस्ट्रेशन देखो, ये की है COGS फाउंड आउट करना अपने, एक ओपनिंग स्टॉक नैट परचेज प्लस डायरैक्ट एक्सपेंसिज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये तो अपने को फॉर्मूला है। हुण ओपनिंग स्टॉक भी है अपने को, अपने को क्लोजिंग स्टॉक भी है, अपने को नहीं है डायरैक्ट एक्सपेंसिज ने। डायरैक्ट कि होंगे जो आप डायरैक्टली खर्च करते हैं, तो वेजिज पे करते हैं आप डायरैक्टली, कैरेज इनवर्ड करते जिन्हों ट्रेडिंग अकाउंट के पाते से अपना ट्रेडिंग P&L बनाते हैं, तो अगे की अपने को डायरैक्ट एक्सपेंसिज कैलकुलेट कर ली। तेन GP का फॉर्मूला की होंगे, नैट सेल्स माइनस COGS। जे COGS इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक है, तो यदी हैल्प आप कैलकुलेट कर सकते हैं फरदर ग्रॉस प्रॉफिट, जिसका फॉर्मूला की है नैट सेल्स माइनस COGS। तो यह कुछ न्यूमेरिकल्स ने, कोई भी किसी भी डाउट होएगा कोई भी कदों भी पूछ सकता। तो इतने अपना चैप्टर की होंगे कंप्लीट होंगे, नैक्सट क्लास के आप करा नैक्सट चैप्टर।